हाय व्यूअर्स, इट इज डी कट। आज हम बात करेंगे शुरू खान की ब्लॉकबस्टर मूवी जवानी के बारे में। आईएसएस मूवी में एक बहुत इलॉजिकल सीन है जो इस मूवी की फाउंडेशन को ही हिला देती है। आगे स्पॉइलर है, इसीलिए जिन्होंने मूवी नहीं देखी प्लीज स्किप द वीडियो। अगर आपने मूवी देखी होगी तो आपको पता है मूवी शुरू होती है एक विलेज में, जहाँ हमारा हीरो को एक मूवी जैसे कॉस्ट्यूम में लिपता हुआ दिखता है। इसी दौरान उस विलेज में एक हमला होती है और हमारे हीरो मून नाइट के जैसे यूडी यूडी कर आके सबका बैंड बजाते हैं। आईएसएस सीन में हीरो वन एक बच्चे से पूछते हैं कि माई कौन हूँ, तभी वो बच्चा हीरो को प्रॉमिस करते हैं कि वो बादा होकर हीरो को अपना पहचान बताइएगा। फिर कट टू प्रेजेंट, जहाँ हीरो टू उसी कॉस्ट्यूम में एक मेट्रो स्टेशन में बैठा हुआ है और मेट्रो ट्रेन को हिजाक करती है। तभी उसी ट्रेन में एक पुलिस ऑफिसर होते हैं जो हमारे हीरो टू पर हमला कर खुद की कतवा देती है। फिर आगे इंटरवल के बाद हमारे डायरेक्टर अतली एक जबरदस्त ट्विस्ट रिवील करती है, जहां पर दिखते हैं कि इसी पुलिस ऑफिसर ने जाकर हमारा हीरो टू के पिता को बुलाकर ले आते हैं, जो था हीरो वन, और यही पुलिस ऑफिसर वो बच्चा था जो शुरू में हीरो वन को वादा किया होता है। यही वो पल है जहां हीरो वन और हीरो टू पहली बार आपस में मिलते हैं। अब एटली जी, मुझे हमें ये बताओ, अगर इन्होंने पहले कभी मुलाकात किया ही ना है तो हीरो टू ने वो समय मास्क कैसे पहना जो हीरो वन को विलेज के ही लोगों ने बाई चांस पहनाया था? मुझे कुछ समझ आना, क्या हमसे मूवी टाइमलाइन समझने में गलती हुई कि प्रोडक्शन के ही टाइम दूसरा मास्क लेने के लिए पासी कम पार्ट गए थे? प्लीज कमेंट में बताइए कि आपको इसे एक स्क्रीन प्ले लिखने में क्या मजबूरी आ गई थी। थैंक्स।